तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा इस तरह की वीडियो अभी के समय में इंस्टाग्राम रील्स पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। यदि दोस्तों आप ये वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करते हो तो दोस्तों आपके रील्स की काफी ज्यादा व्यूज आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो भी पूरे बने रहना है कि वीडियो आपको पूरा समझ में आए। तो दोस्तों चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हमें वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह खुल के इंटरफेस सामने आ जाता है। हमें सिंपली से प्लस वाले आइकन पे चले जाना है। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद दोस्तों हमारा ये 4 सेकंड वाला वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये 4 सेकंड वाला वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको करने के बाद दोस्तों मुझे फोटो वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मेरी एक फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों आप भी अपनी एक फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से जल्द से एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों डन कर देना होगा। डन करने के बाद दोस्तों ये वीडियो और फोटो मेरे सामने आ जाती है। हमें फर्स्ट तरह में आके ओरिजिनल पे चले जाना है। ओरिजिनल पे जाने के बाद दोस्तों 9 करोड़ वाला रेसो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें म्यूजिक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों हमें ये म्यूजिक सिलेक्ट करना है। आप ये म्यूजिक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ये चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे वीडियो पे ये ऑडियो लग जाता है। तो दोस्तों मुझे सिंपली से वीडियो के लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड है वो हटा देना है। इसको हटाने के बाद दोस्तों ये फोटो हमारे ऑडियो की बराबर ही रखनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों हमें इस फोटो के भी 2 पार्ट करने हैं। तो दोस्तों मुझे बीच में से इस फोटो को स्प्लिट कर देना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। इसको स्प्लिट करने के बाद दोस्तों मुझे फर्स्ट फोटो पे आ जाना है और इसके एफएक्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एफएक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और इसका ड्यूरेशन फुल कर देना है। इसको फुल करने के बाद दोस्तों मुझे डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों मुझे जूम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जूम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे प्लस वाले आइकन पे चले जाना है। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों मुझे जूम आउट जूम वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बीच में कर देना है। इसको करने के बाद दोस्तों डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों दूसरी फोटो पे आ जाना है और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों वाइट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों मुझे डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया है। मैं वीडियो को ओपन करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बनाया। तो दोस्तों देख लीजिएगा। अगर दोस्तों हमारी दी जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर न्यू हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँच सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।